क्वेश्चन ये है कि दो फोर्सेस जब परपेंडिकुलर हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 17 न्यूटन के इक्वल है और रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 23 न्यूटन के इक्वल है। तो हमें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और साथ में रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यह है कि दोनों फोर्सेस जब सेम डायरेक्शन में होंगे उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा और जब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला यह है कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर है। सो वी हैव वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर जब फोर्सेस परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 17 न्यूटन के इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि P और Q रिक्वायर्ड फोर्सेस हैं और जब P और Q के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 17 न्यूटन के इक्वल है। तो यहां पर जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा जीरो हो जाएगा। सो दिस इंप्लाई दैट 17 स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अगेन रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 23 न्यूटन के इक्वल है। तो हम यह देख सकते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तभी होगा जब कोस थीटा मैक्सिमम हो और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन के इक्वल होती है। मतलब जब कोस थीटा प्लस वन के इक्वल होगा उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो कोस थीटा वन कब होता है, जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है। मतलब जब वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो हम यह देख सकते हैं कि कोस थीटा जब वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, दैट इज आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर एंड दिस इंप्लाई दैट आर विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो P प्लस क्यू के इक्वल होगा। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी हैव 23 इक्वल टू पी प्लस क्यू। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करके हम P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको स्क्वायर करते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू विल बी इक्वल टू 23 स्क्वायर एंड दिस इंप्लाई दैट टू पी क्यू विल बी इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन वन से पुट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट टू पी क्यू विल बी इक्वल टू, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी दैट इज 40
इंटू ए माइनस बी दैट इज 6, ये हो गया 214। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन वन में ऐड कर देते हैं। तो हमें इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 240। एंड दिस इंप्लाई दैट यहां हो जाएगा P माइनस क्यू होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 289 माइनस 240 एंड दिस इज 49 एंड दिस इंप्लाई दैट P माइनस क्यू विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहां पर P प्लस क्यू 23 के इक्वल है और P माइनस क्यू 7 के इक्वल है। अगेन दोनों को ऐड करते हैं सो वी हैव P इक्वल टू 15 न्यूटन एंड Q इक्वल टू 8 न्यूटन, आंसर हो गए। ठीक है, तो हमें रिएल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो यहां पर P और Q जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस समय रिएल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा जो कि 23 न्यूटन के इक्वल है, और अगेन P और Q जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिएल्टेंट का मैग्नीट्यूड P माइनस Q होगा और यही रिएल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा। सो द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिएल्टेंट विल बी इक्वल टू 7 न्यूटन। ठीक है, R मिनिमम विल बी इक्वल टू 7 न्यूटन, ये आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।